दोस्तों, तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ऐसा वीडियो शायद ही आपने कहीं देखा होगा, मैं कहता हूँ देखा ही नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको बिटकॉइन के बारे में बताते हैं, और आखिर क्या बिटकॉइन है, क्या इसके पीछे सीक्रेट है, और क्या लोग आपसे छिपाते हैं। सिर्फ प्राइस के बेस पर बात करना ही बिटकॉइन के बारे में जानना नहीं होता है कि 2007 में इतना प्राइस था, आज इतना प्राइस है, तो यही बता दो बस काम हो गया। इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे, इसको क्यों हम क्रिप्टो मार्केट का किंग मानते हैं, और क्यों ये सब अदर कॉइन क्रिप्टो कॉइन से डिफरेंट है, क्यों बिटकॉइन की अपने एक कीमत है, क्यों इतनी बिटकॉइन की कीमत है, अदर क्रिप्टो करेंसी क्यों इतनी कीमत क्यों नहीं गेन कर पाती हैं, उनके पीछे रीजन क्या है, और बिटकॉइन की इतनी कीमत आखिर काहे बनी, क्यों बनी, इस पे बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों बिटकॉइन एक यूनिक है, क्यों बिटकॉइन की जरूरत पड़ी। यदि हमने ये समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि बिटकॉइन का फ्यूचर पे क्या है। बात करते हैं बिटकॉइन के फाउंडर की। तो बिटकॉइन के फाउंडर, ऐसा बताया जाता है इंटरनेट या हर जगह पर, कि बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं वो संतोषी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन को बनाया था। मैंने कब कहा, मैंने कहा 2008, याद रखना 2008। तो ये बिटकॉइन का जो संतोषी नाकामोटो ने बनाया, ये कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि कहीं पे लिखा हो, ये दरअसल हर जगह बताया यही जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी डिटेल उस पर्सन के बारे में इनोनिमस है, यानी किसी को भी उस पर्सन के बारे में नहीं मालूम। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि नाम भी कहीं ना कहीं झूठा ही होगा, जो कि सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है, लेकिन पता नहीं हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो आप नाम के लिए बस इतना ही जानकर रख लीजिए कि ये नाम सिर्फ संतोषी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया था 2008 में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बिटकॉइन की जरूरत इस दुनिया को क्यों पड़ी, ऐसे क्या उस समय परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जो संतोषी नाकामोटो को बिटकॉइन को बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पे पहली कंडीशन, पहली यहाँ पे एक जरूरत पड़ी थी, क्यों मैं आपको बताता हूँ। पहली यहाँ पे मैं एक हेडिंग आपके सामने लगा दी है मैंने, यूएस सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008। मैं आपको बता दूं, एक त्रासदी आई थी 2008 में, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सिस्टम सारा जो यूएसए का था, जो अपने आप को बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट समझता था, यानी कि पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब ये होता है कि मार्केट कैन हैंडल एवरी थिंग, और पूंजीवाद का मतलब न्यू लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की इसने अवधारणा को पेश किया था। यानी कि मैं आपको बता दूं, ये दरअसल यूएस सब प्राइम क्राइसिस इसलिए आया था क्योंकि इसने एक वाशिंगटन कॉन्सेंसस बनाई थी, जो कि यूएस ट्रेजरी ऑफ अमेरिका की तरफ से यहाँ पे बनाई गई थी, और उस पर कई वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सब ने उस पर दस्तखत किए थे, और लगभग अमेरिका ने सबको वही बताया था कि किस तरह से जो इकोनॉमी है, यदि वो लॉस में है, रिकवर नहीं कर पा रही है, अपनी इकोनॉमी को बढ़िया तरह से चलाना है। तो अमेरिका ने वही गलती की जो उसने पहले सबसे पहले की थी। सबसे पहले उसने कैपिटलिज्म को अपनाया था। तो उसने कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि पैसा जो है सारा कुछ, उसमें गवर्नमेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, पब्लिक ही, यानी कि मार्केट ही सारा कुछ मैनेज करेगी। मार्केट में जिसकी सप्लाई होगी, जिसकी डिमांड होगी, वो सारी कुछ चीज़ें लोगों के द्वारा ही मैनेज की जाएंगी, गवर्नमेंट उसमें कोई भी वेलफेयर का काम नहीं करेंगी, सिर्फ वहाँ पे कैपिटलिस्ट यानी कि कैपिटलिज्म चलेगा। तो कैपिटलिज्म 1776 यानी कि 1776 से स्टार्ट हुआ, और फाइनली ये 1929 तक चला। 1929 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 1776 से 1929 तक कैपिटलिज्म चलता रहा अमेरिका में कायदे से, लेकिन 1929 में एक बड़ी त्रासदी आई जो कि 2008 में फिर आई। तो यहाँ पे 1929 में आई, तो फिर कई तरह के मॉडल लोगों के द्वारा अपनाए गए, कई देशों के द्वारा सामने, फिर अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया, लेकिन यूएस ने भी उस समय अपने सिस्टम को बदला, और फिर उन्होंने सोशलिज्म को अपनाया, और फिर उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी आई, लेकिन इसने एक बार फिर इसने एक बार वही गलती कर दी, इसने फिर अगेन न्यू लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद की यहाँ पे नीति को लाया, जिसके अंतर्गत इसने क्या किया, कई देशों को उसमें थोड़ा सा चेंज करके कैपिटलिज्म को उसको नए तरीके से पेश किया, जिसको न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, उसका भी परिणाम हमें 2008 में देखने को मिल गया, यूएस सब प्राइम क्राइसिस, तो 2008 आया, कई तरह का मनी का फ्लो किया गया, मनी इतनी ज़्यादा प्रिंट की गई, और फिर कई तरह की इकोनॉमी में यहाँ पे हलचल हुई, ताकि कारण ये 2008 का सब प्राइम क्राइसिस जो यूएसए को है वो झेलना पड़ा, वर्ल्ड वाइड भी उसका इफेक्ट पड़ता ही है। तो इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी कि कोई ऐसी एक करेंसी बनाई जाए जिस पे किसी का कंट्रोल ना हो, जो कोई भी आसानी से प्रिंट ना कर सके, जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो, जो कि सरकार इस तरह की त्रासदी अगेन ना आए। तो यहाँ पे एक ये सोच को जन्म दे दिया गया था 2008 में, और उसी समय बिटकॉइन का आविष्कार भी हुआ। नेक्स्ट का यहाँ पे बात करते हैं, इसका यूनिक हाविंग सिस्टम ये क्या होता है। यूनिक हाविंग सिस्टम आगे भी समझेंगे, लेकिन अभी आपको छोटा सा ओवरव्यू ये देते हैं कि यूनिक जो हाविंग सिस्टम है उसको हम कहते हैं
कि बिटकॉइन का क्या होता है, इसकी माइनिंग चलती है। आपको मैं पहले ही बता दूं, यदि आपने ये 9th एपिसोड चल रहा है, इससे पहले हम 8th एपिसोड कवर कर चुके हैं, उन एपिसोड को देख कर आइए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। यूनिक हाविंग सिस्टम है, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो माइनिंग होती है, हर 4 साल के बाद इसका जो माइनिंग पर रिवार्ड मिलने वाला होता है वो हाफ 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 अप होता हुआ चला जाता है, और इस तरह से रिवार्ड जो होता है कम होता ही चला जाता है। इसी को हम यूनिक हाविंग सिस्टम कहते हैं, यही इसकी हाविंग प्रणाली। इसको आगे भी समझेंगे मॉनेटरी सिस्टम में, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि इसका जो रिवार्ड होता है, जो माइनिंग करने पर, जैसा कि मैंने माइनिंग वाले वीडियो में आपको बताया था, उसमें रिवार्ड जो होता है इसमें हर 4 साल बाद हाविंग के बाद वो आधा हो जाता है। इतना आप अभी समझ लीजिए, आगे भी हम आपको बताएंगे। लिमिटेड सप्लाई की बात करें तो उसकी बिटकॉइन की दुनिया में, जो कि सबसे बड़ा किसी भी करेंसी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ की सप्लाई अगर लिमिटेड कर लोगे तो इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के बाद वो यहाँ पे पहले तो अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, उसके बाद उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन, 21 मिलियन पूरी दुनिया में रखी गई है, और ये सप्लाई अब सप्लाई ही हो चुकी है, मतलब इतनी ही सप्लाई अब रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इतनी माइनिंग हो जाने के बाद इतनी मार्केट में बाय सेल होंगी और इतनी ही बिटकॉइन दुनिया में भरी रहेंगी, इसके बाद अब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन में कोई भी चीज़ इम्यूटेबल लेजर की तरह यहाँ पे स्टोर हो जाती है। एक बार उसको कुछ लिख दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर वो चेंज नहीं होगा किसी भी शर्त पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्थ जो नंबर है वो है प्योर डीफाई एंड वेब थ्री क्वाइन। यहाँ पे आज आप देखते हो गए, आज मार्केट में कई सारे क्वाइन आते हैं, अपना अपना दावा ठोकते हैं कि हम डीफाई या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम करते हैं, वेब थ्री के क्वाइन हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो वो डीफाई नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपना फंडिंग के लिए वहाँ पे डीफाई और वेब थ्री का यहाँ पे नाम यूज करते हैं, दरअसल उनकी रियलिटी तो कुछ और ही होती है। जब आप डीफाई हो तो फिर आप उसको प्रमोट काहे कर रहे हो? डीफाई का मतलब ये होता है जिसको कोई प्रमोट ही ना करे, और जिसका कोई यही नहीं पता हो किसने उसको बनाया किसने नहीं बनाया। इस तरह से जब कम्युनिटी पूरी उसको ड्राइव करे, जैसे बिटकॉइन के केस में पूरी कम्युनिटी ड्राइव करती है इसको, ना कि कोई एक पर्सन, ना कोई कंपनी, ना कोई कुछ, ना कोई पर्सन के द्वारा इसमें कुछ किया जाता है। तो ये प्योर डीफाई कॉइन है जिसका ना को तो ओरिजिन पता है किसने आविष्कार किया किसने नहीं किया, इसको कहते हैं डीफाई, जिसको कोई कंट्रोल ही ना करता हो और पूरी कम्युनिटी मिलकर कंट्रोल करती है, उसको कहते हैं प्योर डीफाई एंड वेब थ्री। आजकल जो भी आप देख रहे हो वो कुछ भी प्योर डीफाई वेब थ्री नहीं है, क्योंकि उनके जो बनाने वाले हैं वो खुद ही अपना प्रचार कर रहे हैं, तो फिर डीफाई किस हिसाब से हुआ। नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ, पांचवा नंबर। उस समय क्या था, वर्ल्ड वाइड में ट्रांजेक्शन करना बहुत ही महंगा था, कि वहाँ पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पाते थे, होते भी थे तो बैंक कहीं ज़्यादा अपना फीस जो है यहाँ पे ले लेते थे। लेकिन वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन कैसे किए जाए, आप देखते थे स्विफ्ट बैंक के जरिए इधर उधर कर करके बहुत ज़्यादा, 150 रुपये भेजे तो 100 रुपये विदेश में पहुँचते थे। लेकिन आज यदि हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन हम कहीं से भी एक देश से दूसरे देश में बिटकॉइन के जरिए सिर्फ कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पांच हमने ऐसी आपको यूनिक चीज़ें बताई बिटकॉइन के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि आपको बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट ईजिली जानने को मिले। और यही चीज़ है कि बिटकॉइन को आज दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन बनाती हैं, और इसकी कीमत जो है इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है, और जो ये पांच मैंने आपको रीजन बताया यही इसको सबसे यूनिक और किंग बनाते हैं इस क्रिप्टो मार्केट का। अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या। तो बिटकॉइन देखिए, एक तरीके से मैंने आपको, जैसे कि पहले मैं कर रहा हूँ, सारे एपिसोड पिछले देख कर आइए तब यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बना हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन वाला वीडियो एक एपिसोड मैंने पिछला बना रखा है, उस पर देखिएगा जा करके। तो उसमें मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन के कई यूज होते हैं, जिसमें एक बिटकॉइन बना हुआ है ब्लॉकचेन पे। देखिए बिटकॉइन को बनाने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन बना हुआ है, ये याद रखिए। टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन है और उस पर बिटकॉइन को बनाया गया है, ठीक है ना। और ब्लॉकचेन पे क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन यही है कि इसकी सप्लाई को लिमिटेड किया जा सके, इस पर ट्रांजेक्शन को देखा जा सके और उसमें कोई चेंज ना किया जा सके। इस तरह की जानकारी जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपको जानते होंगे। टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन यूज की गई है, उस पर क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है जिसका नाम है बिटकॉइन। ये क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। नेक्स्ट की बात करते हैं कि प्रोटोकॉल और कॉइन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आप देखते होगे, इंटरनेट किस पे चलता है, आईपी पे चलता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे चलता है। हर एक कोई भी सिस्टम होता है वो एक प्रोटोकॉल पे चलता है। जैसे इंटरनेट की बात कर लो, वो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस पे चलता है। एचटीटीपी पे इंटरनेट चलता है, एचटीटीपी, जैसे पहले प्रोटोकॉल होता था एचटीटीपी, आप लिखा हुआ देखा करते थे, लेकिन अभी उसको एचटीटीपीएस कर दिया गया है, यानी कि सिक्योर उसमें लगा दिया गया है। तो इसी तरह से जो ब्लॉकचेन है उस पर भी प्रोटोकॉल बनाई जाती हैं। जैसे बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल भी है और एक क्वाइन भी है। इथेरियम की बात करें तो ये एक प्रोटोकॉल भी एक क्वाइन है, यानी कि इथेरियम पे आप
प्रोटोकॉल पे कोई भी क्वाइन या टोकन बना सकते हैं, इथेरियम पे कोई भी सिस्टम आप बना सकते हो, इथेरियम की कितनी, बिटकॉइन की कितनी हाविंग होगी, क्या कब होगा क्या कब नहीं होगा, बिटकॉइन में कितने रिवार्ड दिए जाएंगे, कितना नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जैसे इथेरियम के केस में इथेरियम का ले लीजिए, बिटकॉइन के केस में बिटकॉइन का लीजिए, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में ऑलरेडी पहले से ही लिख दी जाती हैं प्रोटोकॉल में, और उसी पर बिटकॉइन हो या फिर इथेरियम हो उसी प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, और हर प्रोटोकॉल का एक क्वाइन होता है, जिस प्रोटोकॉल से क्वाइन उसका संलिप्त होता ही है, यानी कि यदि एक प्रोटोकॉल होगी तो उसके साथ उसका एक क्वाइन जुड़ा ही होगा, जिससे उस प्रोटोकॉल पे कोई भी फीस या सैलरी उसको पे किया जाता है, तो कर्मचारियों को फीस या सैलरी को पे किया जाता है। मैं सेफाई के चक्कर में बता रहा हूँ, सेंट्रलाइज फाइनेंस के चक्कर में, तो अब ये मान लीजिएगा, यानी कि फीस का मोटा मोटा देखिए कि प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है, प्रोटोकॉल में जो भी लिखा गया है उस पर प्रोटोकॉल पर कोई भी काम होगा, कोई भी इंप्लीमेंट होगा, तो उसी प्रोटोकॉल का एक नेटिव क्वाइन जरूर होगा, नेटिव क्वाइन जरूर उसका होता है किसी भी प्रोटोकॉल का। बिटकॉइन के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका भी क्वाइन बिटकॉइन ही है। इथेरियम के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका भी जो क्वाइन है वो इथेरियम है, यानी कि जो इनके साथ एक प्रोटोकॉल के साथ एक क्वाइन जरूर संलिप्त होता है। अब बात आती है कि टोकन फिर क्या होते हैं। टोकन वो एक तरीके से आप क्वाइन नहीं कह सकते, क्वाइन उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्वाइन और टोकन में फर्क होता है। क्वाइनों के पास अपनी प्रोटोकॉल होती है, यानी कि वो अपनी खुद की प्रोटोकॉल पे बने हुए होते हैं, जबकि टोकन के केस में देखा जाए तो इनके पास खुद का प्रोटोकॉल नहीं होता है, ये दूसरों की प्रोटोकॉल का यूज करके उस पर अपने क्वाइन को बनाते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन किस पे बना है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, उसी तरह जो टोकन होते हैं वो बने होते हैं बिटकॉइन या इथेरियम या फिर किसी भी क्वाइन या टोकन, क्वाइन की जो प्रोटोकॉल होती है उसकी उस पर बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए टोकन भी ब्लॉकचेन पर ही बने होते हैं इनडायरेक्टली देखा जाए तो, लेकिन आप इतना समझ के रखिए कि जो टोकन होते हैं उनके पास अपनी प्रोटोकॉल नहीं होती है, यानी कि वो दूसरों की प्रोटोकॉल का यूज करके उसे बनाए जाते हैं। अब चलिए इनका हम जरा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि टोकन और क्वाइन में क्या फर्क होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है क्वाइन मार्केट का ऐप, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्रिप्टो मार्केट में किस तरह से यहाँ पे क्वाइन और टोकन्स को यहाँ पे पता लगाया जाता है कि कौन सा क्वाइन है कौन सी टोकन है, तो इसके बारे में चलिए हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। तो ये क्वाइन मार्केट कैप होता है, इस वेबसाइट को आप लिख लीजिए कि यहाँ पे आपकी दुनिया की सारी क्वाइन क्रिप्टो क्वाइन मिल जाएंगी और यहाँ पे बहुत कुछ एनालिसिस आप कर सकते हैं अपनी क्वाइन या टोकन का, जो भी आपको इन्वेस्ट करना हो। एड फिल्टर पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑल क्रिप्टो करेंसी की जगह अब यहाँ पे क्वाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्वाइन पर सेलेक्ट करेंगे तो हमें मेरे सामने जो है बहुत सारी क्वाइंस आ जाएंगी। ये सारी क्वाइंस हैं जिनका अपना प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारी क्वाइंस हैं। और वहीं पर टोकन्स की बात की जाए जिनका अपना अपना प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे आल क्रिप्टो करेंसी की जगह पे टोकन्स को यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे सामने टोकन्स आ जाएंगी जिनकी अपनी यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं होती है, वो दूसरों की प्रोटोकॉल पे चलती हैं। तो यहाँ पे हमने आपको टोकन्स और यहाँ पे क्वाइंस का यहाँ पे फर्क दिखाया और ये है हमारे सामने टोकन्स जो कि जिनकी अपनी प्लेटफॉर्म जब की अपनी प्रोटोकॉल नहीं है और दूसरों की प्रोटोकॉल पे यूज करते हैं। यहीं पे यदि आपको कई विभिन्न तरीके के प्रोटोकॉल के बारे में उनकी टोकन या क्वाइन के बारे में जानना है तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाता है। तो यानी कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप पे देखने को मिल जाती हैं। आप फिल्टर लगा करके किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट करके आल क्रिप्टो करेंसी से क्वाइन या टोकन को देख सकते हो। ये तरीका होता है क्वाइन या टोकन को सर्च करने का, एनालिसिस करने का, आप क्वाइन मार्केट कैप इस वेबसाइट पर जा करके ईजिली देख सकते हैं। ये हमने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके सारा कुछ दिखाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं कोई नई वीडियो साथ, तब तक लीजिए जय हिंद वंदे मातरम। और ऐसे खतरनाक कोर्स को, ब्लॉकचेन कोर्स को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।